बातचीत के दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान आ रहे हैं, उससे नहीं लगता कि वे ज्यादा दिन तक सरकार में मंत्री बने रहेंगे। शर्मा ने कहा कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री को इस विषय में अवगत करवा दिया था और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को भी कह दिया था कि वे मंडी लोकसभा क्षेत्र में बेटे के खिलाफ भाजपा के लिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। अब भाजपा को तय करना है कि आगे क्या करना है, क्योंकि वे अपने परिवार और बेटे के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री बनना आसान है, लेकिन नेता बनना बेहद मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंडित सुखराम शांताकुमार, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल ने अपने आप को लोगों के बीच खुद को सफल नेता के रूप में साबित किया है। पंडित सुखराम ने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका अदा कर खुद को विकास पुरुष के रूप में लोकप्रियता हासिल करवाई थी। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम की तरह ही आश्रय में भी नेताओं के अच्छे गुण हैं। पिता के तौर पर अनिल शर्मा का हमेशा ही आश्रय को आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि हर पिता हमेशा ही अपने बेटे की उन्नति चाहता है। पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार चारों सीटें जीतकर केंद्र में एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से दिशाहीन है, वहीं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आए दिन भाजपा नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देश के सबसे दूसरे ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में सम्मानित किया गया था। उनको प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अनुभवी मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह ने भी तारीफ की थी। हालांकि वीरभद्र सिंह ने पंडित सुखराम को आया राम गया राम कहा, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ थपथपाई। अजय राणा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने 68 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा एक ही साल में करके नए विकास की इबारत को लिखा है। राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला सुंदरनगर के जवाहर पार्क में आरंभ हो गया है। पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने इस 5 दिवसीय मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने मेले में पधारे देवता मूल महुनाग सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की तथा सुखदेव वाटिका से निकाली गई शोभा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। देव संस्कृति में अगध आस्था हमारी विशिष्ट पहचान रखते हैं। देव संस्कृति से जुड़ा सुकेत देवता मेला हमारी परंपराओं का प्रतिबिंब और संस्कृति का प्रतीक है। विविधता में एकता के प्रतीक इस प्रकार के आयोजनों से हमारी संस्कृति को संजोने तथा सहजने में बल मिलता है। साथ ही नई पीढ़ी को भी अपनी प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं को देखने व समझने का अवसर प्राप्त होता है। इससे पूर्व मेला समिति के अध्यक्ष एवं उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर अमित कुमार शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और मेले से संबंधित जानकारी दी। लोकसभा क्षेत्र चंबा कांगड़ा के युवा कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल का नूरपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सभी कांग्रेसी एकजुट नजर आए। नूरपुर पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने सभी कांग्रेसी नेताओं के साथ नूरपुर के प्रसिद्ध ब्रिजराज स्वामी मंदिर में माथा टेका व अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए काजल ने कहा कि ये चुनाव आम आदमी और बड़े आदमी के बीच में है।
उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं और अपनी राजनीति ट्रैक्टर चलाने से शुरू की और हमेशा आम आदमी के बीच ही रहा। उन्होंने कहा कि मैं दो बार जिला परिषद व दो बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मिस्ड कॉल विधायक के नाम से आम जनता में मशहूर हो गया और अब 23 तारीख को मिस्ड कॉल MP के नाम से मशहूर होने जा रहा हूं। काजल ने कहा कि जब भी जनता किसी कार्य हेतु याद करती है तो मुझे सिर्फ मिस्ड कॉल ही करती है और उनको जवाब देना आगे मेरा दायित्व रहा है और जिस पर मैं खरा भी उतरा हूँ। काजल ने कहा कि एक तरफ जुमलेबाजी वाली भाजपा पार्टी है और दूसरी तरफ संस्कारी कांग्रेसी पार्टी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी जात पात पर चुनाव नहीं लड़ती जबकि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर और जात पात के नाम पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने पूर्व सांसद शांता कुमार पर भी आरोप लगाया है कि अपने पिछले कार्यकाल में लोगों से जो झूठे वायदे किए थे उस पर भी खरा नहीं उतरे और एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आज इन्हीं कारणों से उनका टिकट तो कट गया लेकिन अपने चेले को टिकट दिलवाने में सफलता हासिल की जिसके लिए वो दर दर भटक रहे हैं। लेकिन अब उन्हें जनता को जवाब देना है कि सांसद रहते हुए नूरपुर व चंबा में कितनी बार आए। काजल ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र एक जुमलेबाजी है। प्रदेश सरकार को बने 1.25 साल हो गया है लेकिन प्रदेश सरकार अपनी कोई भी उपलब्धि न बताकर मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.25 साल से स्कूलों में वर्दियां तक मुहैया नहीं करवाई गई हैं और न ही होनहार बच्चों को लैपटॉप वितरित हुए हैं। काजल ने कहा कि अगर मैं MP बनता हूं तो लोगों से न मिलने की प्रथा तोड़कर जनता के मध्य रहूंगा, वो मिस्ड कॉल वाला MP कहलाऊंगा।